दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से मैं आज अजमेर के सभी शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MB मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसाद बजरंग दल महानगर के माध्यम से जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं और पश्चिम बंगाल में गत दिनों में जो घटनाएं घटित हुई है, हिंदू समाज के बंधुपाल परिवार के 3 सदस्यों को निर्मम रूप से उनकी हत्या कर दी गई और उनके 6 माह का जो बच्चा था पेट में उसको भी मार दिया उन्होंने। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम प्रस्थ है, जो आतंकवादी, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो हिंदुओं के प्रति ऐसी घटनाएं घटित करते जा रहे हैं और हिंदू वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में NRC लागू की जाए और जो बंधुपाल परिवार के जो सदस्य हैं उनकी CBI जाँच करवाई जाए और उनको जो भी दोषी है उनको फांसी की सज़ा प्रदान की जाए। और इसी प्रकार से जो पश्चिम बंगाल जो देश से जो बाहर से आए हैं घुसपैठिए, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए और जो ममता बानो सरकार है उनको राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से बर्खास्त किया जाए और वहाँ जो भी ये घटनाएं हो रही है उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पंडित किशन शर्मा, बजरंग दल महानगर संयोजक।